पूर्व मॉडल और अब खुद को संत घोषित कर चुकी एक्ट्रेस सोफिया हयात सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय है और उन्होंने आए दिन वे अपनी फोटो और वीडियो पोस्ट कर सुर्खियां हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं। आए दिन अपनी ग्लैमरस फोटो के चर्चा का केंद्र बनने वाली सोफिया इन दिनों एक दूसरी वजह से चर्चा में है। दरअसल स्वघोषित फिल्म समीक्षक KRK के बाद सोफिया ने सलमान खान के कड़े शब्दों में आलोचना की है। हाँ जी, सलमान खान। अपनी तस्वीर शेयर करते हुए सोफिया ने सलमान के लिए एक लंबा नोट लिख दिया है। अपने फोटो साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि सलमान खान ने एक बार फिर अपनी फिल्म को रिलीज करने के लिए वही पुरानी ट्रिक अपनाई है। उन्होंने ईद पर फिल्म रिलीज की ताकि धार्मिक त्योहार को प्रमोशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। वहीं इसके साथ ही सोफिया ने सलमान के लुक्स के बारे में बात करते हुए कहा, उन्होंने पुरानी घिटी पिटी स्टोरी लाइन और लुक्स का भी इस्तेमाल किया। बता दे, अभी हाल ही में सोफिया ने सलमान की फिल्म राधे देखी है और अपने इसी अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं है, वही पुराने मसाले इस फिल्म में भी उपयोग किए गए हैं जो वे सालों से करते आ रहे हैं। अपने नोट में वे लिखती हैं, राधे का ट्रेलर देखकर मुझे लगा कि यह सब तो मैं पहले ही देख चुकी हूँ। उनकी ऑडियंस अब काफी समझदार हो गई है और वही पुरानी घिसी पिटी कहानियां देखकर परेशान हो चुकी है। इसके साथ ही मॉडल और एक्टर सोफिया ने अपनी पोस्ट में इस बार और भी आपत्ति दिखाई कि सलमान अक्सर अपने से कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ ही दिखाई देते हैं। सोफिया सलमान पर सवाल उठाते हुए कहती हैं कि आखिर उन्हें अपने हम उम्र की अभिनेत्रियों के साथ काम करने में क्या परेशानी है। वहीं उन्होंने राधे फिल्म में विलेन का किरदार निभाने वाले रणदीप हुड्डा की उपस्थिति पर कहा कि रणदीप को फिल्म मेकर अच्छे से यूज नहीं कर पाए। सोफिया ने कहा कि रणदीप अच्छे हीरो हैं, मगर उनका किरदार घटिया तरीके से लिखा गया था जिसकी वजह से उनकी एक्टिंग बेकार।